किसी और की खींच किसी और पर उतारना पाकिस्तान सरकार की कूटनीति का यही हाल है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को तवज्जो देने से इनकार कर दिया। 6 महीने बीत जाने के बावजूद राष्ट्रपति बाइडेन ने आश्वासन देने के बावजूद पीएम खान को फोन नहीं किया है। रही सही कसर पिछले दिनों तब पूरी हो गई जब अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ से वहां के प्रदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात तक नहीं की। जब पाक के मीडिया एवं वहां के इंटरनेट मीडिया ने इसे पीएम की बड़ी असफलता के दौरे पर गिनाया तो उनकी सरकार ने वही किया जो पूर्व में पाक की सरकारें करती रही है, यानी ध्यान भटकाने के लिए भारत पर आरोप लगाने का काम। बुधवार को पाकिस्तान के सूचना व प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और एनएसए मोईद यूसुफ ने एक साथ भारत के खिलाफ प्रोपगंडा शुरू कर दिया। आधार बनाया गया कि पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली के कुछ विदेशी पत्रकारों को गुलाम कश्मीर की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भारत सरकार ने उसकी मंजूरी नहीं दी। इन सभी पत्रकारों को 5 अगस्त 2021 को पाक अधिकृत कश्मीर के नए संसदीय सत्र की शुरुआत में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन सभी को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करना था। हुसैन, कुरैशी और यूसुफ ने इसकी आड़ में भारत पर प्रेस की आज़ादी को रोकने और दूसरे संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान ने ही कोरोना के मद्देनजर अप्रैल 2021 में भारत से होने वाली हर तरह की यात्राओं पर पाबंदी लगा रखी है। यह पाबंदी अभी तक जारी है। पाक के विदेश मंत्री कुरैशी की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बुधवार को एक पत्र लिखा गया है। इसमें कश्मीर का राग अलापते हुए पूरा आरोप भारत के सिर मढ़ा गया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि कश्मीर की समस्या के समाधान की पूरी जिम्मेदारी भारत की है।